सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फोटो एडिट करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को अपने इसने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक PNG ऐड करना है इंस्टाग्राम का, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और यहाँ से इसको लाइट एंड मोड में कर देना और इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देना। और वापस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। वापस ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना। यहाँ पे इसको हल्का सा बड़ा कर देना। इंस्टाग्राम को भी हल्का सा बड़ा कर देना। और वापस ऐड फोटो पे जाएंगे, सॉरी इसको यहाँ से डन कर देंगे। फिर वापस ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे एक PNG ऐड करना है 10K फॉलोवर का, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे और ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको स्क्रीन मोड में कर देना और इसको हल्का सा बड़ा कर देना। वापस ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और जो इंस्टाग्राम वाला PNG था वो वापस ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको नीचे की तरफ लगाएंगे, इसको वापस ब्लेंडिंग मोड में जाके लाइट एंड मोड में कर देना, इसको एकदम बड़ा कर देना और नीचे लगा देना इसको। और वापस ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और एक और PNG ऐड करना है और इसको यहाँ पे इसको भी नीचे ही लगाएंगे और यहाँ से इसको डन कर देना। तो गाइस, इसको डन करने के बाद वापस आपको ड्रॉडूल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेना और यहाँ पे इसको टैप करके रखना और ये रेड कलर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइज ओपेसिटी आप सेम रख लेना देख के। और यहाँ यहाँ पे हल्का हल्का जहाँ पे रेड साइन आ रहा है वहाँ पे इसको कर देना। ये होने के बाद यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको ओवरले मोड में कर देना और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना। और सेव करने के बाद इसको जो है इस लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना। सो गाइज, यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपको ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो एक्सपोजर है इसको +20 ले लेना और कॉन्ट्रास्ट को +40 रख देना और यहाँ पे ब्लैक को +60 रख देना। और यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे और जो रेड वाला है ह्यू जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से हम अपने जो बैकग्राउंड है इसको कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यही वाला रखना है, रेड वाला, इसलिए मैं नहीं करूँगा। आपको चेंज करना है तो कर लेना।
और यहाँ पे ये वाले आइकॉन पे क्लिक करके जो टेक्सचर है उसको +5 रख देना, -5 रख देना, और क्लैरिटी को +40 रख देना। +49 रख देना। और यहाँ पे जो फोटो है रेडी हो चुकी है। सो गाइस, अगर आप वीडियो को आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।